कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें दाल, रे और वाव में कुछ कन्फ्यूजन होता है। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि दाल और वाव उन्हें पहचानने में थोड़ी परेशानी होती है। तो देखिए, दाल ये है दाल और ये है वाव। वाव में ये सिरा जो है ये थोड़ा सा गोल होता है, थोड़ा सा गोलाई दिए होता है। अगर इसे आप हाथ से लिखा हुआ दाल देखेंगे तो फर्क और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये देखिए दाल और ये वाव, ये यहाँ पर गोलाई है। एक फर्क तो ये हुआ दाल दाल और वाव में। दोनों को गौर से देखें, यह है दाल और यह है वाव। फिर कुछ लोगों का कहना यह है कि जब ये मिला के लिखे जाते हैं तो कहाँ पर दाल है और कहाँ पर रे है, ये उन्हें फर्क पता नहीं चल पाता है। पहले आइए एक ऐसा लफ्ज़ देखें जिसमें दाल और वाव दोनों हैं। दवा, 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 ये दाल है, ये वाव है। हाथ से लिखेंगे तो कुछ इस तरह होगा। दवा, ये दाल है, ये वाव है, दवा। एक और शब्द, एक और लफ्ज देखें जिसमें दाल, वाव और रे तीनों आए। वारदात, वारदात, वाव अलिफ रे दाल अलिफ रे, वारदात। फिर कुछ लोगों का कहना है कि दाल और रे जब मिलाकर लिखे जाते हैं तो दोनों में फर्क नहीं रह जाता है। उन्हें कैसे पहचाने, ये मुश्किल होता है पहचानना उनके लिए कि कहाँ पर दाल है और कहाँ पर रे है। तो एक लफ्ज़ लेते हैं, मदद, मदद। अब उनका कहना ये है कि ये बिल्कुल रे जैसा है तो ये कैसे मान लें कि ये दाल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रे है, बिल्कुल ऐसा ही मदद में नजर आ रहा है। जैसा ये रे है वैसे ही ये नजर आ रहा है। अब जब दाल से पहले कोई हर्फ उससे जुड़ता है तो उसकी शक्ल ये बिल्कुल रे जैसी हो जाती है, ये रे ऐसी ही शक्ल हो जाती है। अब सवाल ये होता है कि हम पहचाने कैसे, हम ये पता कैसे करें कि ये दाल है, रे नहीं है। तो देखिए, उसकी एक पहचान ये है कि ये शक्ल तो इसकी ज़रूर बदल गई, लेकिन ये यहाँ ये मीम से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है। जब यहाँ से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब हुआ ये दाल है। अगर ये यहाँ के बजाय यहाँ से जुड़ा होता, यहाँ से जुड़ा होता तो इसका मतलब था ये रे है। और ये कुछ और लफ्ज देखते हैं, एक लफ्ज है ये मर्द, मर्द। अब ये है रे, ये रे है, ये ऊपर से जुड़ा हुआ है, ये मीम यहाँ ऊपर से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये रे है। इसकी एक और शक्ल भी होती है, जब दाल से कोई हर्फ जोड़ता है तो वो शक्ल कुछ इस तरह होती है। बर्तन, ये है बे और ये है रे, रे। अब ये ऊपर से यहां से जुड़ा हुआ है इसलिए ये रे है,
अगर ये यहाँ के बजाय ये यहाँ से जुड़ा होता तो ये दाल होता, लेकिन ये चूंकि ऊपर से जुड़ा हुआ है इसलिए ये रे है। देखिए बर्तन में ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, और वही देखिए मदद में, मदद में अब ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं। अगर ये मीम यहाँ से जुड़ा होता, मीम अगर यहाँ से जुड़ा होता तो ये रे होता, लेकिन मीम ये यहाँ से जुड़ा हुआ है इसलिए ये दाल है, रे नहीं है। अच्छा, उसके अलावा कुछ लोगों का ने सवाल किया है कि वाव का हमसे ये भी पूछा गया है कि वाओ का उच्चारण या प्रोनंसिएशन या तलफ़ुज क्या होता है। देखिए वाओ का प्रोनंसिएशन उच्चारण तो वाह होता है, और दूसरा इसके कुछ और भी काम है, जैसे अलिफ पेश और वाओ होता है ओ, अलिफ पेश और वाह होता है ओ। अब अलिफ की जगह अगर कोई दूसरा हर्फ है, कोई दूसरा अक्षर है और उस पर पेश है और फिर वाव है, तो वहाँ ये ओ की मात्रा का काम करता है। जैसे अलिफ पेश वाव हुआ ओ, और दाल पेश वाव हुआ दो। अब एक शब्द लेने दोस्त, दाल पेश वाव दो और सीन थे दोस्त, दाल पेशवा दो और सीन दोस्त और ते दोस्त। इस तरह अलिफ जबर वाओ होता है ओ, अलिफ जबर वाओ होता है ओ। अब अलिफ की जगह कोई और अक्षर है, कोई और हर्फ है और उस पर जबर है और फिर वाओ है, तो वहाँ ये ओ की मात्रा का काम करेगा, ओ की मात्रा का काम करेगा। जैसे दाल जबर वाव दाओ, रे अलिफ राव और नून रान दौरान, दाल जबर वाव दाओ, रे अलिफ राव और नून रान दौरान दौरान। इस तरह अगर अलिफ वाव उल्टा पेश है तो ये इसकी आवाज़ हुई ऊ, अलिफ वाव उल्टा पेश हुआ ऊ, ऊ अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ। अब अलिफ की जगह कोई और हर्फ है और फिर वाव उल्टा पेश है, तो वहाँ ये ऊ की मात्रा का काम करेगा, ऊ। जैसे दाल वाव उल्टा पेश दू और रा दूर, दाल वाव उल्टा पेश दू और रा दूर दूर।